जैन साहब, कल आपके आयल केमिकल ने तो कमाल कर दिया, बधाई। बताएं सर आज का वैसा ही दमदार शेयर। थैंक यू अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब तो ये हैबिट बन गई है, हर थोड़े दिन में 1 लाख आपके बढ़ते जा रहे हैं और मिलियन तो बहुत जल्दी होगा। और मैं 10,000 से आपको विश करते हुए आ रहा हूँ। 10,000 जब आया था तो आपने शायद फेसबुक पे डाला था कि ट्विटर के 10,000 फॉलोअर, तो मैं देखता था कि ठीक है बहुत बड़ी बात है। फिर 50,000 आप, जो मोरेटोरियम पीरियड था आपका, जो सबेटिकल था 3 महीने 2 महीने का, 1 फरवरी से लेकर अप्रैल तक, उसमें ही 40,000 ऐड हुए। सो उसके बात तो द जर्नी इज लाइक एंडलेस। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड नेम्स इन द स्टॉक मार्केट हिस्ट्री एंड स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में आप ही होंगे। ये प्रेडिक्शन तो क्या मतलब, इट्स अ शॉर्ट शॉर्ट थिंग। नहीं जैन साहब, ये बात तो सही है, पहले 10,000 छूने का जो आनंद और जो खुशी है, नो डाउट फैमिली बढ़ती बहुत अच्छा लगता है, वो शायद उतनी खुशी 10 लाख पे ना आए। लेकिन ये वैसे ही हाल है कि जो मारुति 800 खरीदने पे जो आपको खुशी मिलती है, वो मर्सिडीज खरीदने पर नहीं होती। तो पहली माइलस्टोन की तो बात ही अलग है, आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। तो बिल्कुल धन्यवाद। और सबसे बढ़िया बात है कि आप और हमारे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो 10,000 नहीं 1,000 की जर्नी से साथ हैं। और कई बार वो स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि कंपाउंडिंग इफेक्ट है, जो 10,000 से साथ है उनके लिए हर 10,000 बढ़ने पर एक गुना बढ़ जाते हैं नंबर्स। लेकिन वही वाला मामला है जो स्टॉक्स में, इंडेक्स में आप लंबे समय तक बने रहें तो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आता है वो जबरदस्त है। धन्यवाद जैन साहब आपकी शुभकामनाओं के लिए। बताएं सर अब आज का जेम्स स्टॉक आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी तो प्यार और मोहब्बत इसी बढ़ती रहेगी, और इतना आप सिंपल हो और हम्बल हो तो आपका तो होना ही है सर, फैमिली और बढ़ती रहेगी। बट एनीवेज सर, हम पॉइंट पे आते हैं एंड थैंक यू सो मच। IOLCP कल मैंने दिया था तो आपने बोला था कि ऐसा जाना पहचाना नाम दे दिया, क्या बात है। बट बोले जाना पहचाना कई बार अच्छे खासे लेवल्स पे रहता तो स्टॉक चलता। और पिछले वीक में जबरदस्त फार्मा स्टॉक्स और आज हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखिए आप किस तरीके से चल रहा है। कोवाई मेडिकल मैंने इनफैक्ट उस दिन दिया था नवमी पिक्स में, वो भी चल रहा है। सो हॉस्पिटल स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, हेल्थ केयर स्टॉक्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बट नाउ मैंने एक स्टॉक जो लाया हुआ है, भारत बिजली लिमिटेड। हालांकि ये सेगमेंट बहुत बढ़िया सेगमेंट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक लीडर है ये कंपनी, और बहुत पुरानी कंपनी है। इनफैक्ट 1946 से ये कंपनी कार्यरत है, तो एक एस्टैब्लिश ब्रांड है इंडिया में और आप काफी ट्रस्टेड नेम है ये इस इंडस्ट्री में। पावर सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मर्स और ये सब बनाती है, और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ड्राइव्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का काम करती है, एलिवेटर सिस्टम भी बनाती है। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया कंपनी है, मुंबई हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, अक्रॉस द इंडिया नेटवर्क है इनका और काफी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काम करती है। और फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर अ बिलियन कंपनी अवार्ड भी इस कंपनी को 2007 में मिला, तो उससे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट अगेन लेट्स कम टू द फंडामेंटल्स, ये सारी पेडिग्री की बात, और प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया है, और सबसे बढ़िया बात है एक्सटेंसिव प्रोमोटर्स बैकग्राउंड है और क्वालिफाइड प्रोमोटर्स है। लिक्विडिटी पोजिशन बहुत बढ़िया और काफी हेल्दी ऑर्डर बुक पोजिशन है, 900 करोड़ की करीब ऑर्डर बुक पोजिशन थी December 2020 क्वार्टर तक। और अब अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे आऊं तो बुक वैल्यू 1 से नीचे ये स्टॉक चल रहा है, 1400 के लगभग का बुक वैल्यू और उसके सामने 1100 के लगभग भाव चल रहे हैं। और उससे बढ़िया बात है सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट की 3 साल की कैगर आ रही है 46%, 5 साल की 26-27%। और उससे भी इंपॉर्टेंटली इक्विटी कैपिटल काफी छोटी है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है और 5,65,00,000 की फेस वैल्यू होती है, इक्विटी कैपिटल होती है, तो ऐसा आपको एक वो मिलता है कि भाव 1100 के ऊपर होते हैं। सो इसीलिए लिक्विडिटी कम रहती है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग के अलावा DIIs की होल्डिंग 15-16% है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। डिसंबर के क्वार्टर को मैं देख रहा था, दैट वॉज वेरी गुड। और लास्ट 3 साल में स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है बिकॉज ये सेगमेंट थोड़ा सा वैसा ही चलता, थोड़ा स्लो चल रहा है पिछले 1-1.5 साल में देख रहे कोरोना की वजह से। सो इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इन लेवल्स पे ये स्टॉक मिल रहा है बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। और यहां से 1290 का टारगेट बहुत आराम से छुएगा और हाई ये 1650 का देखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त स्कोप है ऊपर जाने का स्टॉक में, जिस तरीके की पेडिग्री, जिस तरीके का काम और जिस तरीके का ब्रांड। सो ओवरऑल सारी चीजें इन प्लेस है।
बिल्कुल, तो अच्छे ट्रिगर्स हैं इन प्लेस, खरीदारी करके चलें, 1290 का है टारगेट और आगे और भी गेंस दे सकता है भारत बिजली। यह है जैन साहब का जेम्स, इस पर आई थिंक